नमस्कार। हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2023 की। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, हमें क्वायरीज आ रही थी कि सर इसके एग्जाम डेट कब आएंगे, एग्जाम फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगी, कैसे होगी। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए मैं आज एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, बिना स्क्रीन पर ये देखिए। और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आल के साथ बेल को दबा दीजिए, ताकि ऐसी जो मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को मिलती है। ठीक है, तो अपन आते थे जवाहर नवोदय विद्यालय JNU प्रवेश परीक्षा 2023 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए, आपने जैसा कि आप लोगों को पता है, ये क्लास ए और क्लास नौ यानी क्लास सिक्स और क्लास नाइन के लिए एग्जाम होता है। तो मैं पहले यहाँ पे क्लास नाइन की बात कर लूंगा, उसके बाद एक क्लास छह के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास नौ की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो क्लास नौ के फॉर्म जो है ओपन हो चुके हैं, है ना। इसका फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो गया है 5 सितंबर से। देखो फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो 5 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो है इसकी 15 अक्टूबर 2022 है। तो 5 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर 2022 तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसका जो एग्जाम है, जो एग्जाम डेट है वो 11 फरवरी 2023 को इसका एग्जाम होने वाला है। और इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट डेट है वो रिजल्ट है मार्च 2023 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका जो है सिलेबस क्या है देखेंगे। तो सिलेबस जो है इसमें जो है नाइन्थ के लिए जो एग्जाम होता है उसमें जो सिलेबस होता है, हिंदी 15 नंबर की आती है, 15 प्रश्न आते हैं, 15 नंबर की होती है। इंग्लिश 15 नंबर, 15 प्रश्न आते हैं, 15 नंबर का। मैथ 35 प्रश्न आते हैं, 35 नंबर के। और साइंस 35 प्रश्न आते हैं, 35 नंबर के। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, 15 जो टोटल नंबर जो है वो 100 नंबर का इसका पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश 15-15 की, मैथ और साइंस 35-35 नंबर का आता है। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। जो कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड जो संभावित कट ऑफ है वो क्या जाता है, कई लोग है ना क्वेरीज में पूछ रहे थे हम इधर कट ऑफ क्या रहता है इसका। तो कट ऑफ ये संभावित कट ऑफ है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे, जनरली ऊपर होने की चांस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल का जो कट ऑफ है हर साल जो है 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में 75 से 80 नंबर यदि लाते हैं जनरल का सिलेक्शन हो जाता है, 65 से 70 नंबर लाने पर ओबीसी का सिलेक्शन हो जाता है, 55 से 60 नंबर लाने पर एससी का, एससी कैटेगरी के बच्चों का, और 55 से 60 नंबर लाने पर एसटी। मतलब यहाँ पे देखिए एससी और एसटी डबल लगभग 55 से 60 नंबर एससी और एसटी के बच्चे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, है ना, उनका सिलेक्शन। यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ लिखा है वो ओवरऑल लिखा है। ये जो कट ऑफ है यहाँ पर, ये रूरल और अर्बन, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए और शहरी क्षेत्रों के बच्चों के लिए, दोनों के लिए। इसलिए मैंने कहा पहले कि ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट का मतलब संभावित है, इसमें 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। सीट का जो विवरण याद रखिएगा कि इसमें सीट जो है लिमिटेड सीट नहीं होती है, क्योंकि ये जो क्लास नाइन्थ में जो एडमिशन होते हैं, क्लास एट के बाद जब नाइन्थ में बच्चा प्रमोट होता है नवोदय में, तो जो छोड़ देते हैं क्लास एट के बाद, उनकी जो सीट बच जाती है उस पर सिलेक्शन होते हैं। तो कहीं पर 3 सीट, कहीं पर 4 सीट, कहीं पर 12 सीट, कहीं पर 10 सीट, ऐसा हो सकता है अलग अलग विद्यालयों में। पूरे देश भर में 661 विद्यालय, पूरे जो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है पूरे देश भर में 661 विद्यालय हैं। तो नाइन्थ की जो सीट है ना वो लिमिटेड नहीं होती है। जैसे जैसे यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो क्लास सिक्स के एडमिशन के लिए हर एक स्कूल में, जवाहर नवोदय स्कूल में 80 सीट रहती है। ठीक है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जहाँ पे खाली है, जहाँ पे हो सकता है किसी स्कूल में एक सीट खाली खाली हो, किसी में 2 हो, किसी में 5 हो, किसी में 10 हो, किसी में 15 हो, किसी में 20 हो, पर जनरली 10 के आसपास ही रहती है, 10 से बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम आ चुका है, जिसमें सीट जो है सीट कितनी है इसको अपन नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो जब आप एग्जाम देते हैं और जब सर्कुलर आता है उसमें पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये है नवी का। 5 सितंबर से 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरना है इसका, 5 सितंबर से फॉर्म इसकी चालू हो चुकी है, 15 अक्टूबर तक भरना है, 11 फरवरी को एग्जाम होगा, मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह का सिलेबस है, 15 नंबर की इंग्लिश और इंग्लिश आती है। ठीक है, 35-35 नंबर का मैथ होता है, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, ये पेपर कब होना है, 15 फरवरी 2023 को, ये डिसाइड हो चुका है, इसके फॉर्म आ चुके हैं, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं अपन कक्षा 6 में एडमिशन के लिए। 5वीं का जो बच्चा है, अच्छा इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जो 8वीं पढ़ने वाला बच्चा, जो इस साल 8वीं में पढ़ रहा है, 8वीं में अभी अध्ययनरत है, वो बच्चा इस फॉर्म को डाल सकता है, कक्षा 9वीं के लिए वो फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, कक्षा 6 में आते हैं, जो इस साल कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 5 में अध्ययनरत है, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला हो, मीडियम वाला हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र का बच्चा हो, लड़की हो, लड़का हो, कि वो इस फॉर्म को भरते हैं, कक्षा 5 में पढ़ने वाला स्टूडेंट बच्चा इसको भरेगा। ठीक है, कक्षा 6 में एडमिशन के लिए, तो फॉर्म स्टार्ट इसके सितंबर 2022 से, अभी यहाँ डेट नहीं दिया हुआ है, पर सितंबर की डेट जैसा जो उनका
ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख पाएंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। सितंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट जो डेट है फॉर्म भरने की दिसंबर 2022 तक, सितंबर से दिसंबर 2022 के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका एग्जाम डेट अभी डेट नहीं आया है, तो इसका जो है संभावित जो अप्रैल जो है डेट है वो अप्रैल 2023 में इसका एग्जाम होगा, कक्षा छह के लिए जो एग्जाम होना है ना, और इसका जो रिजल्ट है वो मई 2023 में आएगा ना। मेन मेन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो इसका एग्जाम डेट है वो अप्रैल 2023 है, फॉर्म सितंबर से दिसंबर के बीच भरे जाएंगे 2022 सितंबर। यहाँ पे डेट क्लियर नहीं है, डेट अभी नहीं दिया है क्लियर इसने, और एग्जाम डेट भी क्लियर नहीं दिया, पर अप्रैल के महीने में 2023 में होगा। ठीक है, सिलेबस यहाँ पे देखते हैं अपन, सिलेबस क्या क्या आता है कक्षा छह में एडमिशन के लिए। तो मानसिक योग्यता परीक्षण यानी जो आकृति वाले प्रश्न आते हैं वो 40 प्रश्न आते हैं, प्रश्न 40 होते हैं पर 50 नंबर के आते हैं, मतलब हर एक प्रश्न जो है 1.25 यानी सवा नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक है, एक प्रश्न जो है हर एक प्रश्न जो है 1.25 नंबर का होता है, 1.2 नंबर का। ठीक है, तो 40 प्रश्न आएंगे मानसिक योग्यता, मतलब आकृति वाले 40 प्रश्न आएंगे, अंक होंगे कुल 50 है ना, अंक गणित यानी मैथ्स के जो है 20 प्रश्न आएंगे जिसके नंबर होंगे 25, यानी हर एक प्रश्न कितने नंबर का, 1.25 मतलब सवा नंबर का एक प्रश्न होता है। भाषा, भाषा में यदि आप हिंदी चूज करते हैं या इंग्लिश जो भी है आपका है ना, यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप क्या लेंगे, हिंदी देंगे, और यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप क्या लेंगे, इंग्लिश देंगे, अंग्रेजी। ठीक है, तो इसमें भी 20 प्रश्न आते हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं। तो जो प्रश्नों की कुल संख्या है वो 80 है, पर अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। पहले ये 100 100 होता था, 100 प्रश्न आते थे, 100 अंक आते थे, पर अभी ये क्या कर दिया कि अभी पिछले एक दो साल से जो है इसका सिलेबस थोड़ा चेंज कर दिया है, प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे है ना 80 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, और 2 घंटे का यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको जो है टाइम मिलता है ना करने के लिए, 2 घंटे का इसमें टाइम मिलता है। ठीक, प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हम कटाप की बात करते हैं, एक संभावित एक्सपेक्टेड कटाप जो है अपन लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, जनरली ज्यादा होने के चांस ज्यादा रहते हैं, पर संभावित कटाप है। और ये जो कटाप है ये जो है रूरल और अर्बन दोनों के बॉयज गर्ल्स सभी को लेकर के यहाँ पे जो संभावित कटाप एक है। जनरल का कटाप जो है 72 से 76 नंबर तक जाता है, 100 नंबर में 72 से 76 नंबर यदि आते हैं तो जनरल का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये 2-3 सालों का मिला करके मैंने पहले कहा आपको है। ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 69 से 70 मतलब 69 से 70 नंबर तक लाता है ओबीसी का छात्र, तो उसमें हो जाता है। एससी जो है वो 60 से 68 नंबर तक, और एसटी का छात्र जो है बच्चा जो है वो 52 से लेकर के 59 नंबर तक यदि लाता है तो इसका सिलेक्शन होने के चांस। पर ये जनरली जो कटाफ है संभावित और कम से कम कटाफ है, ये कटाफ जनरली ऊपर ही जाता है ना। ये मान के चलिए आप कि इसमें 5 से 10 नंबर की जो है कटाफ पड़ता है, और वो कटाफ पढ़ने का मतलब ये है कि कटाफ ऐसा क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हर साल बच्चे अब अवेयरनेस आ रही है, और हर साल बच्चे जो है नवोदय में ज्यादा ज्यादा एग्जाम में बैठते हैं, अच्छे से अच्छे पट पे बैठते हैं, तो ये जो है ना कटाप जो है बढ़ जाता है। बच्चे कितने बैठे हैं, कितने कैसे बच्चे बैठे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, शहर के बच्चे कितने बैठे, गाँव के बच्चे कितने बैठे। ठीक है, और ये सब चीजों पर डिपेंड करता है, इसलिए कटाप जो है जनरली ऊपर नीचे होते रहता है, पर जनरली जो कटाप है वो इसके ऊपर ही रहता है, नीचे बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, इस यहाँ पे अपन बात करेंगे कि इसमें सीट कितनी होती है। तो मैंने पहले बताया कि देश में 661 स्कूल है पूरे, और ये नेशनल एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम है, इसमें पेन और पेपर के माध्यम से एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, बच्चा जो है मैनुअल एग्जाम देता है। ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से नहीं होता है, इसमें पेपर आता है और अंतर सीट आती है, उसमें आपको गोले करने होते हैं ब्लैक पेन से है ना, तो ये बच्चों को आता है। तो इस तरह का पेपर और पेन के माध्यम से, पेपर पेन के माध्यम से देने वाला एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, मैनुअल एग्जाम है, बैठ करके गोले भरने वाला एग्जाम। पेपर मिलता है, अंतर आपको क्वेश्चन पेपर आ जाता है, अंतर सीट मिलती है ओएमआर वाली, उसमें आपको गोले करने होते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो 661 जो है पूरे स्कूल है पूरे इंडिया में, तो 661 स्कूल में हर एक स्कूल में छठवीं क्लास के लिए 80 सीट का रिजर्वेशन रहता है, 80 सीट पर सिलेक्शन बच्चों का होता है, हर एक स्कूल में 80 सीट का सिलेक्शन बच्चों का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण के बच्चे हैं, ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 75% सीट जो है, 100 में से 75% जो सीट है, 80 की 60 सीट जो है, 80% की जो है 60 सीट जो है ग्रामीण बच्चों के लिए होती है, और जो 20 सीट है वो शहरी बच्चों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, तो रूरल के लिए यानी ग्रामीण के लिए जो है 75% आरक्षण रहता है बच्चों के लिए, और अर्बन के बच्चे शहरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 25% का आरक्षण रहता है। ये आरक्षण फिर से और बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो जैसे मैंने कहा कि 60 सीट जो है ग्रामीण बच्चों की, इसमें गर्ल्स और बॉयज आ जाएंगे। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे ज्यादा सीट होती है ना, जैसे 60 सीट है तो 60 सीट में 40 सीट जो है लगभग 40 सीट जो है गर्ल्स के लिए होती है, और लगभग 20 सीट जो है वो मतलब जो है बॉयज के लिए होती है, मतलब गर्ल्स के लिए ज्यादा सीट होती है, बॉयज के लिए कम सीट होती है। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद एक और बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें फिर आरक्षण भी रखता है, मतलब जनरल ओबीसी एससी एसटी इसका भी यहाँ पे ध्यान रखा होता है, इसका भी यहाँ पे आरक्षण रोड पर कपड़े होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियां एक तो हो गया ग्रामीण बच्चे में गर्ल्स और बॉयज बढ़ गए, गर्ल्स बॉयज के बाद गर्ल्स भी 4 कैटेगरी में, जनरल ओबीसी एससी
बॉयज की चार कैटेगरी जनरल, ओबीसी एससी एसटी, तो इस तरह से जो है शहर शहरी में भी ऐसा ही है ना, शहरी में भी गर्ल्स बॉयज बताएंगे, फिर उनका आरक्षण एससी एसटी ओबीसी, तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो ऐसे लोग हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या इस साल 5वीं क्लास में है, 5th क्लास में पढ़ते हैं, और ग्रामीण बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारे ग्रामीण बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं, बैठते हैं, उनका निकालते भी हैं, एग्जाम निकलता भी है, हर एक जिले में ये स्कूल होता है, हर एक जिले में ये स्कूल है, जितने जिले हैं, कुछ हो सकता है कुछ छोटे जिलों में 2 जिले मिलाकर एक में हो, तो ऐसे कुल मिलाकर के जो है 600, पूरे देश भर में 661 जो है विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, वहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम, अच्छा एक बात यहाँ पे और है कि ये जो कट ऑफ जो है, मैंने यहाँ पे पूरे देश भर का मतलब पूरा नेशनल लेवल का कट ऑफ मैंने आपको बताया हुआ है, तो मैंने पहले कहा कि कट ऑफ जो है जनरली ऊपर नीचे होते रहता है, तो ये डिपेंड करता है कि किस जिले में किस स्तर पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसके हिसाब से ये कट ऑफ जो है कभी ऊपर अप डाउन होते रहता है, ठीक है, कहीं बढ़ जाता है कहीं कम हो जाता है, कम के चांस तो कम ही है, बढ़ता ही है जनरली, क्योंकि आजकल सब अवेयरनेस आ गई, सब बच्चे चाह रहे हैं कि उनका नवोदय में सिलेक्शन हो, तो कट ऑफ बढ़ ही रहा है, अच्छे से अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छे से नंबर लाते हैं, तो कट ऑफ बढ़ता ही है, कम तो होने के चांसेस कम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो कट ऑफ बनता है वो ऑल इंडिया नहीं बनता, ये नेशनल लेवल एग्जाम है, क्योंकि पूरे देश भर में एक साथ होता है, नेशनल लेवल एग्जाम है ये, पर जिले वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, हर जिले की आपने किस जिले के लिए अप्लाई किया है, किस जिले में के लिए आपने फॉर्म भरा है, उस जिले की कट ऑफ में आप शामिल होते हैं, ऑल इंडिया कट ऑफ में आप शामिल नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ बताया है वो संभावित ऑल इंडिया कट ऑफ है, यहाँ का भी जो कट ऑफ है वो संभावित ऑल इंडिया कट ऑफ बताया हुआ है मैंने, जिले का कट ऑफ जनरली कम ज्यादा होता है, यदि हम बालाघाट जिले की बात करें तो बालाघाट जिले का जो कट ऑफ है वो काफी हाई जाता है, यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ है, यदि मैं 6th क्लास की बात करूँ, 6th क्लास का कट ऑफ जो है 90+ ही जाता है, 94-95 के प्लस ही रहता है जनरल का, ओबीसी का भी जो है 85 के ऊपर लगभग लगभग 85-90 रहता है, ठीक है, एसटी का कट ऑफ और एसटी का कट ऑफ भी काफी ऊपर रहता है, एसटी का जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग 80+ ही रहता है, 80+, और जो एसटी का है वो 75+ रहता है, ठीक है, बालाघाट, क्योंकि बालाघाट में काफी कट ऑफ ऊपर जाता है, पर अन्य जिलों में जो है कट ऑफ थोड़ा नीचे भी रह सकता है, तो हम जिस जिले से आप भर रहे हैं फॉर्म को उस जिले के कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, उसका कट ऑफ ज्यादा कम हो सकता है, यहाँ पे मैंने पूरा नेशनल लेवल का कट ऑफ आपको बताया हुआ है, संभावित कट ऑफ यहाँ पे है ना, ये जो है क्लास 9 का है और ये क्लास 6 का है, ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए और आगे भी ऐसी नवोदय और किसी भी इंट्रेंस और रिक्रूटमेंट एग्जाम की जानकारी को जानते रहने के लिए, समझते रहने के लिए आपको जानकारी मिलती रहे, हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थैंक यू, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।